गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित सर, आज आपको इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में 5 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा और आज केवल 3 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। ये जो 3 क्वेश्चंस हैं ये आपकी एग्ज़ाम के लिए भी और साथ में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं, तो इसलिए आप मेरी इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार ज़रूर देखें। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कहता है, एक्सप्लेन एनी वन मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन विच एंश्योर हाई यील्ड। आपको क्या करना है, कोई भी एक मेथड आपको एक्सप्लेन करना है क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा अनाज प्राप्त कर सकें। तो बेटा, कभी भी अगर मान लीजिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अनाज प्राप्त करना है तो हम बहुत सारी वेरियस क्रॉपिंग पैटर्न्स का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ये जो क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं ये नीचे दी गई हैं। पहला है मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग और फिर क्रॉप रोटेशन। तो इनमें से हम कोई भी यूज कर सकते हैं जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा अनाज प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब होता है इट इज़ ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। मतलब कि भाई मिक्स क्रॉपिंग का मतलब ये हुआ कि हम एक साथ दो क्रॉप्स को क्या कर रहे हैं, ग्रो करा रहे हैं साइमल्टेनियसली, मतलब अलग अलग। जैसे वीट ग्राम, वीट के साथ मस्टर्ड, ग्राउंडनट के साथ सनफ्लावर, ऐसे हम क्या कर रहे हैं क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो करा रहे हैं। दिस रिड्यूसेस रिस्क एंड गिव्स सम इंश्योरेंस अगेंस्ट फेल्योर ऑफ वन ऑफ द क्रॉप्स। ये एक तो रिस्क को रिड्यूस कर देते हैं, मतलब कोई रिस्क नहीं रहता, और दूसरा ये है कि इससे हम इंश्योरेंस भी करा सकते हैं। मतलब इंश्योरेंस कराएंगे तो क्या होगा, इंश्योरेंस फेल्योर मतलब होने के चांसेस भी क्या हो जाएंगे, बहुत ही कम हो जाएंगे। अगला आता है इंटर क्रॉपिंग। इज ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड इन ए डेफिनेट पैटर्न। द क्रॉप्स आर सेलेक्टेड सच दैट देयर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट। देखिए यहाँ भी हम दो या उससे ज़्यादा क्रॉप क्या कर रहे हैं, उगा रहे हैं, लेकिन अलग अलग पैटर्न से। नीचे दिया गया होगा, आपको देख पा रहे होंगे, क्रॉप्स जो सिलेक्ट हम करते हैं वो न्यूट्रिएंट के आधार पे करते हैं, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है उसी के आधार पे दूसरी क्रॉप उगाई जाती है। ये हमें इंश्योर करते हैं कि इनके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट सप्लाई हो पाएगी और ये बहुत सारी पेस्ट डिजीज से भी क्या करेंगे, हमें बचा पाएंगे, ताकि हमारे खेत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फसल हमें प्राप्त हो सके। जैसे सोयाबीन, मेज, फिंगर मिलेट, काउपी, ये हम क्या करते हैं ऐसे। ये नीचे आपको डायग्राम दिखा रखा होगा यहाँ पे इंटरक्रॉपिंग का, तो आप इसे समझ जाएंगे कि भाई एक साइड कॉलीफ्लावर लगा रखा है, दूसरी तरफ दूसरी खेती कर रखी है ना, तो मैं फ्लावर की खेती कर रखी, तो इससे क्या है कि आपस में न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं यहाँ पे शेयरिंग हो जाती है। अब आता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, इज़ ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड इन ए प्री प्लांट सक्सेसन। मतलब साल में हम क्या करते हैं, लगातार अपनी फसल को बदलते रहते हैं कि भाई मान लीजिए अब की बार हमने गेहूं लगाया तो अगली बार हम क्या लगाएंगे, सरसों लगाएंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन क्रॉप रोटेशन इज डन फॉर डिफरेंट क्रॉप कॉम्बिनेशंस। द अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड इरीगेशन फैसिलिटीज डिसाइड द चॉइस ऑफ द क्रॉप टू बी कल्टिवेटेड आफ्टर वन हार्वेस्टेड। मतलब एक फसल काटने के बाद हमारी चॉइस रहती है कि हम दूसरी फसल कौन सी उगाए। हमें पता है कि भाई इस क्रॉप से हमें क्या हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन प्राप्त हो सकता है पत्तों के द्वारा, वो डिकम्पोज होंगे सॉइल के अंदर, मिक्सअप हो जाएंगे, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, फिर हम उगाएंगे फिर मस्टर्ड। इफ़ ए क्रॉप रोटेशन इज डन प्रॉपरली
देन टू और थ्री क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन ए ईयर विद ए गुड हार्वेस्ट। मतलब अगर मान लीजिए क्रॉप रोटेशन अगर हम प्रॉपरली करते हैं तो हम साल में दो या तीन फसल प्राप्त कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। आपको फ़ायदे बताने हैं, इंटरक्रॉपिंग के क्या फ़ायदे हैं और क्रॉप रोटेशन के क्या फ़ायदे हैं। इंटरक्रॉपिंग हमें इंश्योर करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट सप्लाई हो पाती है और ये हमें पेस्ट और डिजीज से भी क्या करते हैं, बचाते हैं, ताकि हमारी फसल को क्या ना लगे, पेस्ट और कोई बीमारी ना लगे। और साथ में आपको मैं बता दूं, इसमें एक साथ हम दो क्रॉप क्या करते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन की अगर हम बात करें तो ये प्लान किया जाता है पूरी तरीके से, ईयरली हम प्लान करते हैं और ताकि हम सॉइल सॉइल में न्यूट्रिएंट को क्या कर सके, रिप्लेनिश कर सके बिना फर्टिलाइज़र का यूज़ किए। जैसे कि अगर मान लीजिए हमने लेग्यूमिनस प्लांट है, लेग्यूमिनस प्लांट में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, नाइट्रोजन्स होते हैं, और नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है उसी फील्ड के अंदर हम क्या करते हैं, उगाते हैं, एक साल हो गया या दूसरे साल हो, इससे क्या है कि हमारे सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज नहीं होती और इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा फसल प्राप्त कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, आज तीन ही क्वेश्चन करेंगे, थर्ड लास्ट क्वेश्चन है हमारे लिए आज के लिए। व्हाट इज जेनेटिक मैनिपुलेशन, हाउ इज इट यूजफुल इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। जेनेटिक मैनिपुलेशन क्या होता है और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में इसका उपयोग क्यों है। देखिए, वेराइटीज टू ऑब्टेन ए न्यू एंड बेटर वेराइटी, मतलब वेराइटीज टू ऑब्टेन ए न्यू एंड बेटर वेराइटी इज कॉल्ड जेनेटिक मैनिपुलेशन। मतलब बहुत सारी ऐसी वैरायटी होती है, हम क्या करते हैं, नई और बेटर वैरायटी क्या करते हैं, यहाँ से प्राप्त करते हैं, उसी को हम जेनेटिक मैनिपुलेशन कहते हैं। एग्रीकल्चरल जो प्रैक्टिसेस हैं ये क्या कर देते हैं, इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड्स इनकी एप्लीकेशन को रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं, या हम कहें कि फर्टिलाइजर सच वैरायटीज आर बीइंग प्रिपेयर्ड दैट आर क्या होगा, हमें से ज़्यादा से ज़्यादा फसल प्राप्त होगी, पेस्ट रेजिस्टेंट होंगे, इन्वायरमेंट स्ट्रेस से रेजिस्टेंट होंगे और ज़्यादा फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं होगी अच्छी ग्रोथ के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो नॉर्मली ग्रोथ कर पाएंगे और हमें ज़्यादा कोई चीज़ अलग से डालने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं ये क्या करते हैं, क्वालिटी और क्वान्टिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं और साथ में इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के चांसेस को भी रिड्यूस करने का काम करते हैं। तो ये तीन क्वेश्चन थे बच्चों, ये आपको अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं और कल आपसे फिर मुलाकात होगी, अगले तीन क्वेश्चन लेकर आएंगे, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, हम फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये तीनों क्वेश्चन अच्छे तरीके से रिवाइज करें। कल फिर मुलाकात होगी, नमस्कार।